बद्रीपुर नाम के एक शहर में तनिषा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। बचपन में एक दिन दोपहर को तनिषा छत से पतंग उड़ाना देख रही थी, तभी उसकी माँ ने उसे आवाज लगाई। तनिषा बेटी, आओ खाना खा लो। हाँ माँ, आती हूँ। तुम ऊपर छत पर क्या कर रही हो? माँ, मैं पतंगबाजी देख रही हूँ। तुम भी आओ ना, देखो ना कितने सारे पतंग उड़ रहे हैं आसमान में। नहीं बेटी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अभी बहुत काम है। तुम जल्दी से आकर खाना खा लो। हाँ माँ, आती हूँ। इसके कुछ देर बाद ही बहुत जोर से आवाज आती है। तब तनिषा की माँ बाहर निकलकर देखती है कि तनिषा छत से गिर गई है। उसके सर से बहुत खून निकल रहा है। तनिषा बेटी, ये क्या हो गया? कब से बुला रही थी मैं? तनिषा की माँ तब देखती है कि तनिषा नीचे जमीन में खून से लथपथ पड़ी हुई है। उसकी माँ जल्दी से उसे पास के एक अस्पताल में लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, देखिए ना मेरी बेटी को क्या हो गया। अरे क्या हुआ है? छत पर पतंगबाजी देख रही थी और छत से नीचे गिर गई। ठीक है, आप यहाँ रुकिए। नर्स, नर्स, जल्दी से इस लड़की को एडमिट कर लो। तनिषा की माँ तनिषा को जल्दी से अस्पताल में एडमिट कर देती है। फिर वो तनिषा के पिता को कॉल करती है। हेलो। अरे क्या हुआ है, तुम इतना हाँफ क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? नहीं जी, कुछ भी ठीक नहीं है। आप जल्दी से ऑफिस से आ जाइए। अरे क्या हुआ ये तो बताओ पहले। हमारी तनिषा बेटी छत से गिर गई है, मैं उसे अस्पताल में ले आई हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। कुछ देर में ही तनिषा के पापा भी वहाँ आ जाते हैं। ये सब कैसे हुआ? वो छत पर क्या कर रही थी? वो छत पर पतंगबाजी देख रही थी, ये सब मेरी वजह से हुआ। वो मुझे भी बुला रही थी, काश मैं भी उसके साथ गई होती। रो मत, अपने आप को कोसो मत। तुमको भी कैसे पता होगा कि ऐसा हो जाएगा। तभी डॉक्टर उन लोगों से मिलने आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी अब कैसी है? देखिए, मुझसे जितना हो सका मैंने किया, लेकिन उसको अभी भी होश नहीं आई है। क्या डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? मैंने उसको दवाई तो दे दी है, लेकिन जब तक उसको होश नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाता है, फिर तनिषा को होश आती है। माँ, माँ। बेटी, तुम्हारी माँ बाहर बैठी है। नर्स, जल्दी से इसके माता पिता को अंदर बुला कर लाओ। फिर तनिषा की माँ और पापा अंदर आते हैं। बेटी, माँ। बेटी तू कैसी है, तुझे कैसा महसूस हो रहा है? बेटी, माँ मैं ठीक हूँ, लेकिन माँ मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। देखिए, अभी आप लोग उससे इतनी ज्यादा बात मत करिए, अभी आप लोग बाहर जाकर बैठिए। वो लोग बाहर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद तनिषा को छुट्टी मिल जाती है और उसके माता पिता उसको घर ले जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। फिर एक दिन रात को, माँ तुम सुबह से कितना काम करती हो, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नहीं बेटी, तू रहने दे। अरे माँ, लाओ ना, मैं ये सारे बर्तन ठीक से रख देती हूँ। नहीं तो छोड़, ये सारे कांच के बर्तन है, टूट जाएगी। नहीं माँ, कुछ नहीं होगा। ये बोलकर तनिषा जबरदस्ती अपनी माँ की हाथ से एक प्लेट लेती है और थोड़ा लापरवाही के वजह से वो प्लेट गिरकर टूट जाती है। ये क्या किया तूने, मैंने कहा था ना। उसकी माँ उसे बहुत डांटती है। तनिषा भी गुस्से में वहाँ से चली गई और जाकर सो गई। लेकिन देर रात को अचानक तनिषा नींद में चलना शुरू कर दिया और सीधा फ्रिज के पास जाकर उनमें रखा हुआ सारा खाना खा गई। सुबह फ्रिज खोलकर अंदर कोई भी खाना नहीं है देखकर उसकी माँ ने सोचा, अरे मैंने फ्रिज में कुछ खाना रखा था, कहाँ गई? और एक दिन फिर से किसी और कारण के लिए तनिषा को उसकी माँ ने खूब डांटा और उस रात भी फिर से तनिषा फ्रिज का सारा खाना खा गई। ऐसे ही दिन जाते गए और धीरे धीरे तनिषा की माँ को सब कुछ समझ में आ गई। तब उसकी माँ ने अपने पति से कहा,
सुनिए जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं जिस दिन भी किसी कारण से तनिषा के ऊपर चिल्लाती हूँ, उस दिन ही वो रात को नींद में उठकर घर का सारा खाना खा लेती है। अरे ये क्या बात हुई? अगर ऐसी बात है तो उसको अभी से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। फिर वो लोग तनिषा को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर जांच करने के बाद कहता है, क्या तनिषा के सर पर कभी चोट लगी थी? हाँ डॉक्टर साहब, कुछ महीने पहले तनिषा छत से गिर गई थी। गिरने के कारण उसके सर पे बहुत गहरी चोट लगी थी और वो 2 दिन तक बेहोश थे। हाँ, सर पर चोट लगने से उसके अनकॉन्शियस माइंड से वो ये सब करती है। सुबह उसे ये सब याद भी नहीं रहता। मैं एक दवाई दे रहा हूँ, उस दवाई को कंटिन्यू करते रहना है। उस दिन से तनिषा वो दवाई हर रोज खाती रही और वो एकदम ठीक हो गई। फिर देखते देखते वो बरी हो गई और उसकी शादी की बात पक्की हो गई। तब उसकी माँ ने उसे कहा, देख बेटी, तू तो मेरी अच्छी बच्ची है ना, मेरी एक बात ध्यान रखना बेटी, अब तो तेरी शादी हो जाएगी, तुझे दवाई खाने की याद दिलाने के लिए तो वहाँ पर मैं नहीं रहूँगी ना, लेकिन तू याद करके दवाई लेते रहना। हाँ माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर उसकी शादी हो जाती है। नई घर में जाते ही उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है और वो काम के वजह से दवाई खाना भी भूल जाती है। फिर एक दिन, बहू, ओ बहू, मेरे और तेरे ससुर जी के लिए थोड़ी सी चाय तो दे जा। हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। वो चाय तो ले आई, लेकिन अपनी सास को जब वो चाय देने गई, तब उसकी ही साड़ी में उसकी पैर फंस जाती है और सारा चाय उसके सास के ऊपर गिर जाती है। अरे बहू, तू कैसी चलती है, सारा का सारा गर्म चाय मेरे ऊपर गिरा दी। मुझे चाय पिला रही है या चाय से नहला रही है, मेरा तो हाथ ही जला दिया तूने। अपनी सास की बात सुनकर तनिषा को बहुत गुस्सा आया। फिर होना क्या था, उस रात वो फिर से नींद में चलने लगी और फ्रिज का सारा खाना खा गई। दूसरे दिन फ्रिज में कोई खाना नहीं है देख उसकी सास तो हैरान हो जाती है। अरे सारा खाना गई कहाँ, भूत आई थी क्या घर में? कोई भी इस पहेली को सुलझा नहीं पाई। फिर से एक दिन ऐसा ही हुआ और जब तनिषा रात को अंधेरे में खाना खा रही थी, तभी उसकी सास पानी पीने के लिए वहाँ आ जाती है और अंधेरे में तनिषा को भूत समझ लेती है। अरे रे रे भूत। फिर तनिषा की सास जब बत्ती जलाई तो उसने देखा कि वो तनिषा है। वो तनिषा के पास जाकर गौर से देखा तो उसे समझ में आ गया कि तनिषा नींद में ही ये सब कर रही है। कुछ देर बाद तनिषा जाकर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह ही तनिषा की सास तनिषा के मायके जाकर उसकी माँ से बोली, आपने हम लोगों से इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? क्या हुआ समधन जी? आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आपकी बेटी को नींद में चलने की बीमारी है? फिर तनिषा की माँ तनिषा की सास को सब बात खोलकर बताती है। अगर वो दवाई लेती है तो वो एकदम ठीक रहती है और मैंने उसको कहा भी था कि टाइम से दवाई लेते रहना, अगर वो दवाई लेगी तो वो ऐसी हरकत फिर से नहीं करेगी। ये सब सुनने के बाद तनिषा की सास अपनी घर चली आती है और तनिषा को बोलती है, अरे बहू, तू तो मेरी बेटी की तरह है ना, बोल, तू अगर गलती करेगी तो मैं डांटूंगी ही ना, अब से याद करके दवाई ले लेना हाँ, नहीं तो मेरा सारा राशन खत्म हो जाएगी, छोड़, अब से मैं ही तुझे याद दिला दूंगी। तब से तनिषा की सास उसको दवाई लेने के लिए याद दिला देती थी और तनिषा भी एकदम ठीक हो गई।